थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज का टॉपिक हमारा आपको पता ही है, बॉडी ओडर एंड स्वेटिंग। बहुत लोग परेशान हैं खूब सारी स्वेटिंग से, बहुत लोगों को बॉडी ओडर का प्रॉब्लम है। क्या बॉडी ओडर से आपके हेल्थ के बारे में कुछ पता चलता है, अच्छी बात बुरी बात, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर? वही साहब कॉन्सेप्ट की बातचीत करेंगे और कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फालतू की ज्ञान नहीं मिलता, बेसिक पता चलता है। सो व्हाट इज स्वेट, स्वेटिंग क्या होती है? देखिए ओवरव्यू ये है कि बॉडी ओडर और स्वेटिंग ये आपके हर एक को होता है, और किसी किसी को हैवी परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मतलब स्वेटिंग, पसीना आना, हैवी परस्पिरेशन होता है। और किसी किसी को ये चीज़, देखिए एक्सरसाइज के समय तो सबको ही होती है, ठीक है, जो एक्सरसाइज करेगा उस समय हैवी पसीना आएगा और साथ में बॉडी ओडर भी आएगा, पसीने की स्मेल, राइट। जब आप बहुत ज़्यादा गर्म होते हो, होता क्या एग्जैक्टली, जब आप बहुत ज़्यादा गर्म होते हो, व्हेन यू आर टू वार्म यार, तो क्या होता है, और या फिर जब आप नर्वस हो, या आप एंग्शियस हो, या आप स्ट्रेस में हो, तो आपकी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो, दो टाइप के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, और ये दो डिफरेंट प्रकार के स्वेट बनाते हैं, राइट। और दोनों के दोनों जो है वो ओडरलेस होते हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है स्वेट में, क्वाइट फ्रेंकली, राइट। अब ये बात समझिए, जो आपका स्वेट आपके आर्मपिट में आ रहा है वो और जो ग्रोइन में आ रहा है, वहां पर बैड स्मेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां जो नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उस स्वेट के साथ कंबाइन होके बैड स्मेल बाद में प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट अपने आप में कोई बैड स्मेल वाली नहीं होती है, यानी कि पसीने से बदबू जो आती है खुद पसीने से नहीं आती है, वो बैक्टीरिया जो आपके आर्मपिट्स और जो बगल में और नीचे जांघों के बीच में बैक्टीरियाज होते हैं हमारे, नॉर्मल बैक्टीरिया, उनके साथ मिलके काफ़ी देर रह के स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर बहुत ज़्यादा स्मेल में या स्वेटिंग में अनयूजुअल चेंजेस है, ज़्यादा ज़्यादा ही ज़्यादा परस्पिरेशन हो रहा है, जिसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, हाइपर हाइड्रोसिस, हाथ से पसीना निकले जा रहा है, सर से पसीना निकले जा रहा है, टप टप नल बहते जा रहा है, या फिर दूसरा भी पार्ट है इसका एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस मतलब आता ही नहीं पसीना, जरा भी नहीं आता है, ये एक कंसर्न वाली बात हो सकती है। जी हाँ, इसमें हम फिर बीमारी ढूंढते हैं, कंसर्न ढूंढते हैं। और अगर बॉडी ओडर चेंज होता है, पहले कोई स्मेल नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पहले बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, अब ठीक हो गई है, वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है प्लेन सिंपल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो सकता है, सिंपल होम रेमेडी में काम कर जाए, जैसे कि अगर आप नॉर्मल स्वेटिंग बॉडी ओडर इफेक्टिवली हाइजीन मेंटेन करोगे, एक की जगह दो बार नहाओगे, कई बार उसी से हो जाता है, कई बार एंटी परस्पिरेंट यूज़ करें, कई बार टेम्परेचर रेगुलेशन करें कि जहाँ जहाँ रह रहे हो वहाँ पे पसीना, यानी गर्मी ज़्यादा ना हो तो पसीना कम आए, कई बार उससे मैनेज हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बॉडी ओडर या इसकी बात करें कि ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो उसका क्या, उसके क्या मतलब, उसमें दिक्कत क्या होगी? जो लोग नेचुरली ज़्यादा स्वेट करते हैं, जिसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलेंगे, जो दूसरे लोगों के कंपेरिजन में पसीना ज़्यादा आता है, ऑब्वियसली इसमें वेरिएशन है पर्सन टू पर्सन, वो उनको क्या प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास आते हैं, कई बार वो बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा अचानक से पसीना आने लग जाता है बिना किसी कारण के, कई बार वो बोलते हैं कि आपके जो डेली रूटीन है, आप जो मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें दिक्कत आने लग जाती है पसीने के वजह से, और या फिर आपको नाइट स्वेट्स होते हैं बिना किसी कारण के, आपको नहीं पता क्यों, लेकिन सीधा रात को उठते हो एकदम पसीने से लथ पथ बोलते ना वो, राइट। या फिर अगर आप चेंज महसूस करते हैं अपनी बॉडी ओडर में, तो कई लोग इस सारे चेंजेस के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अल्टीमेटली कारण क्या है, इसका क्या कारण है, करना क्या है? देखिए हमने ऑलरेडी बताया आपके स्किन में दो प्रकार के स्वेट ग्लैंड्स हैं, एक का नाम है एक्राइन ग्लैंड, एक का नाम है एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये आपकी बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स को कवर करते हैं, और ये स्किन के सरफेस पे डायरेक्टली खुलते हैं, स्किन के सरफेस पे डायरेक्टली एक्राइन ग्लैंड, राइट, डायरेक्टली खुलते हैं। और एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल के एरिया में बनते हैं, जहाँ हेयर फॉलिकल ज़्यादा होते हैं ना, जैसे जहाँ से बाल निकलते हैं आर्मपिट में, ग्रोइन रीजन पे,
वहां पे ये ज्यादा होते हैं और इवन सर में भी हो सकते हैं, राइट। और ये हेयर फॉलिकल के अंदर खुलते हैं, तो हेयर फॉलिकल के अंदर खुलने वाले स्वेट ग्लैंड को बोलते हैं एपोक्राइन, और एक्राइन यानी डायरेक्ट स्किन में खुलने वाले। और जब आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्राइन ग्लैंड जो है वो फ्लूइड प्रोड्यूस करता है आपके स्किन के सर्फेस के ऊपर, जहां पर वो उसका काम है कि आपकी जो स्किन है उसको कूल करना है, और वो जो बॉडी के अंदर जो स्वेट प्रोड्यूस होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, स्किन जो है वो ठंडी हो जाती है। इसमें बेसिकली वाटर होता है और सॉल्ट होता है, पानी होता है, नमक होता है, ये स्वेटिंग का है। इसीलिए जब लोग ज्यादा स्वेटिंग करते हो वो पसीना भी के साथ सॉल्ट भी लूज करते हैं। अब दूसरी तरफ एपोक्राइन ग्लैंड जो है, यहां पर एक अलग तरीके का मिल्की सा फ्लूइड निकलता है, जो कि आपके इमोशनल स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एंक्शियस हो, उस चीज के उस टाइम पे सिक्रीट होता है, वो जाएगा सीधा हेयर फॉलिकल में, हेयर फॉलिकल से ऊपर निकलेगा। ये भी एक ओडरलेस फ्लूइड होता है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है, बाहर के नॉर्मल बैक्टीरिया से कंबाइन होके, बाहर के नॉर्मल बैक्टीरिया से कंबाइन होके, फिर नॉर्मल बैक्टीरिया से कंबाइन होके फिर ये स्मेली हो जाता है, या ये तब जाके स्मेली होता है। तो ये तीन चार कारण है बेसिक स्मेल आने के, बॉडी ओडर आने के। अब आप क्या कर सकते हैं अगर आपको स्मेल ज्यादा आ रहा है, राइट। एनहाइड्रोसिस यानी बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आना, स्वेटिंग नहीं होना, वो भी दिक्कत वाली चीज है। अगर स्वेटिंग नहीं हो रही है, राइट, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ ओवर हीट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड बर्न्स, इसके वजह से हो सकता है, या फिर कोई स्किन या नर्व कंडीशन के वजह से भी हो सकता है एनहाइड्रोसिस, राइट। और अगर हम बात करें टू मच स्वेट, इतनी आ रही है, हाइपर हाइड्रोसिस आ रही है, वो क्यों हो सकता है? नंबर वन रीजन इज योर थायराइड एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। थायराइड प्रॉब्लम में होगा, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में होगा, लो ब्लड शुगर के वक्त होगा, बाकी एंजाइटी और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स कई सारे होते हैं उसमें भी हो सकता है, राइट। आप क्या कर सकते हो, रेगुलर बात करिए, एंटी परस्पिरेंट या डिओडोरेंट आपको स्मेल से बचा सकते हैं, रोज नहाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अपना पहला टाइप टिप तो यही है कि आप अपने आप को जितना हो सके क्लीन रखें, क्लीन रखना भर में ही बहुत काम हो जाता है। और एंटीबैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करें थरली वॉश करते समय, तो बैक्टीरिया थोड़े कम हो जाएंगे तो ओडर्स थोड़ी कम आएगी। टॉवल देखो ड्राई करते हैं अच्छे से, तो ये बात याद रखिए, अगर स्किन अच्छे से ड्राई होगी वहां पर ना, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने में मुश्किल होगा। सो ड्राई रखिए वो एरिया को, टॉवल को अच्छे से यूज करिए, जितना ड्राई होगा उतना अच्छा होगा, ये बात याद रखिए, राइट। और एंटी परस्पिरेंट यूज करना है, अच्छी वाला इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ वाला, एक स्ट्रॉन्ग एंटी परस्पिरेंट यूज कर सकते हैं। एंटी परस्पिरेंट में एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, और केमिकल हो सकता है जो आपको स्वेट को, ये एंटी परस्पिरेंट जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो स्वेट को ही कम रखता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये डिओड्रेंट में भी आता है, और इसको आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग और नाइट, मॉर्निंग और नाइट, इस 2 बार यूज कर सकते हैं। फिर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत ज्यादा क्लीन कपड़े पहनने, ठीक है, गंदे कपड़े पहनेंगे तो उसमें खुद ही बैक्टीरिया होगा, तो हमेशा धोए हुए कपड़े पहने, रात के कपड़े फिर से मत पहने, राइट। चेंज योर क्लोथ्स वेन एवर यू आर स्वेटिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पसीना लग गया है तो स्वेटिंग स्वेटेड कपड़ों को बदल लें, वो इंपॉर्टेंट चीज है। सॉक्स हो गई, अंडरवेयर हो गई, इन सब चीजों को बदलना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे, रिमेंबर दैट, क्लीन क्लोथ्स पहने, राइट। और कुछ प्रकार के खाने पीने की चीजें भी स्वेटिंग बढ़ा सकती हैं, जैसे हाई कैलोरी फूड हो गया, जैसे स्पाइसी फूड हो गया, पेपर हो गए, राइट, ये भी आपके स्मेल बढ़ा, स्वेटिंग बढ़ा सकते हैं, तो बॉडी ओडर भी पैदा कर सकते हैं। अनियन हो गए, गार्लिक हो गए, राइट, ये भी आपका फूड एरोमा, ये भी आपके स्वेट में आ सकता है, इसमें दिक्कत कर, तो इनको कम रखें। कैफीन, अल्कोहल, राइट, ये भी आपकी स्वेटिंग बढ़ा सकते हैं, कैफीन भी, अल्कोहल भी, तो कैफीन कम रखें, अल्कोहल कम रखें,
इन सब चीजों का करने भर से आप अपनी स्वेटिंग वाली प्रॉब्लम पे विजयी भवो, विजयी पा सकते हैं। सो ये हुई बात स्वेटिंग की। कोई सवाल है तो जरूर लिखिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।